हाय, आज मैं बनाने जा रही हूँ फिश फ्राई। तो चलिए बताती हूँ इसके लिए क्या चाहिए और कैसे बनाएंगे हम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 500 ग्राम फिश ले लिया है और इसे अच्छा से वॉश कर लिया है हमने। इसमें डालूंगी मैं 3 चम्मच लेमन जूस और इसे अच्छा तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। आप हाथों की मदद से या चम्मच की मदद से मिक्स करें। इस तरीके से हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे इसे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/4 टेबल स्पून जीरा और धनिया पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच इसमें मिर्च मैं डालूंगी। तो फ्रेंड्स, आप मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। इसे मिक्स कर लिया है हमने। उसके बाद इसमें डालूंगे 2 से 3 चम्मच पानी। पानी के साथ मसालों को मिक्स करेंगे, एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक थिक पेस्ट हमने तैयार कर लिया है मसालों को। उसके बाद से हमने लिया है एक प्लेट। इस प्लेट के अंदर हम फिश को लेकर के और इसमें मसालों का कोट करेंगे। फ्रेंड्स, आप हाथों या चम्मच की मदद से जिससे आपको सुविधा लगे उससे आप कीजिए। तो आप देख सकते हैं हमने इसे कोट कर लिया है और इसी तरीके से सारे फिश को हम कोट कर लेंगे। चारों तरफ से हमें लगाना है मसाले को। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने सारे फिश को कोट कर लिया है मसालों से, एक लेप लगा लिया है चारों तरफ। तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, गैस ऑन करके हमने कढ़ाई रख दिया है। अब कढ़ाई के अंदर मैं डालूंगी एक बटर का टुकड़ा। आप यहाँ पे ऑयल भी ले सकते हैं। तो बटर मेल्ट होने दूंगी मैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये अच्छा तरीका से गर्म हो चुका है और मेल्ट भी हो चुका है। तो चलिए इसमें फिश को ऐड कर देती हूँ। तो इस तरीके से निकाल के एक एक फिश हम डालेंगे और एक बार में जितना फिश आएगा उतना ही हमें डालना है। तो फ्रेंड्स, इसे 1 से 2 मिनट तक हम एक साइड इसे फ्राई होने देंगे। उसके बाद इसे पलट लेंगे। पहले हम गैस को हाई फ्लेम पर रखेंगे 1/2 मिनट तक, उसके बाद से लो टू मीडियम कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस तरीके से हम पलट लेंगे इसे आराम आराम से। बिल्कुल हल्के हाथों से पलटना है, नहीं तो ये टूट सकता है फिश। तो एक साइड आप देख सकते हैं फ्राई हो चुका है, अब दूसरे साइड भी हम फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये दोनों साइड फ्राई हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप यदि और इसे करना चाहते हैं फ्राई तो 1/2 मिनट और कर सकते हैं, थोड़ा और करारी हो जाएगा ये। तो इसी तरीके से हम एक चम्मच की मदद से हमने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये फ्राई हुआ है। तो आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई करें।